परम शांति बाबूजी। बाबूजी, आज हम ये जानना चाहते हैं कि आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस क्या है, जो फॉरगिवनेस का इम्पोर्टेंट क्या है। जो फर्गिवनेस माना माफ करना, जी, माफ करना और माफी मांगना दोनों का मेन डिफरेंट। देखो माफी मांगना वो भी बहुत बड़ी चीज होती है, जी। मगर उसमें दो कैटेगरी है। माफी मांगना वाला जो कोई गलती करता है जी और उसको एहसास होता है जी कि एक्चुअली मेरी गलती है, राइट। तो वो माफी मांगने वाला भी महान आत्मा है, और उसको माफ करने वाला उससे भी महान आत्मा है। मगर छोटी छोटी गलतियों में तो सब माफ कर देते हैं, मगर जब बड़ी गलतियां कोई करता है, जैसे किसी ने अपने स्वजन का खून कर दिया राइट। और फिर वो माफी मांगने आ जाए, तो वो तो बद नेचर माफी मांगने आएंगे ही आएंगे। वो तो साधारण चीज है कि चलो जाके माफी मांग ले ताकि, मगर वो जो आजकल देखते हैं ना कि कई पीढ़ियां तक ये वेर 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 लेते चलते हैं। राइट। आजकल इसने खून किया तो उसका उसका वो करेगा, उसका वो करेगा, उसका वो, तो कई जन्म से पीढ़ी पे दर पीढ़ी चलते आ रहते हैं, कई जन्मों इसीलिए पीढ़ी की पीढ़ी में श्राप चलता तक। रहता हाँ, है कई पीढ़ी के लोग, है पीढ़ी ना। में श्राप देते रहते हैं एक दूसरे। देखो पूरी पीढ़ी को श्राप करना वो तो बहुत अलग चीज है, हाँ क्योंकि वो पूरी पीढ़ी को श्राप देना, या मतलब पूरे वंश को, पूरे कुल को श्राप देने वाला तो कोई बड़े बड़े ऋषि महाऋषि ही दे सकते हैं, जिसके पास बहुत पावर होती है वो ही दे सकते हैं। राइट ये अलग डिफरेंस है, कभी उस पर बात करेंगे। जी। पूरी पूरी मतलब कुल को श्राप कैसे मिलता है उसकी बात अलग करेंगे, मगर आज है हम फर्गिवनेस। तो माफी तो मांगने वाले बहुत मिल जाएंगे, जैसे कोई आप भी बताया कि कोई तुम्हारा प्रियजन का कोई खून कर दे, सबसे बड़ी बात है ना। छोटी मोटी छोटी छोटी जो गलतियों में माफ तो सब कर देते हैं, चलो छोटो ठीक है, छोटी छोटी गलतियां, मगर जब बड़ी गलतियां होती हैं, राइट। कोई तुम्हारा बहुत प्रियजन हो, बहुत प्रियजन हो, और उसको कोई गोली मार के हत्या कर दे और बाद में माफी मांगने आए, तो कोई माफ करेगा? आज संसार में है ऐसा कोई दिखता है कोई? बाबूजी, अगर कोई मान मान भी जाए कि चलो माफ कर भी दिया, लेकिन उसके रिलेटिव बोले कि तू कायर है, उसने माफ कर दिया, उसको ये कर दिया, तो माफ एकदम। करने वालों को लोग दूसरी नजर से देखते हाँ हैं बिल्कुल, कि यही वो बात है। कायर है, वो डर गया होगा, हाँ, वही हाँ बात वो है। दूसरा खून करेगा इसलिए। मगर ऐसी बात नहीं है, जो महान आत्माएं हैं संसार में, कभी कभी महान आत्माएं होती हैं जी। जो बड़े बड़े लोगों को बड़े बड़े गुनाहों की सजा न देकर भी माफ करते हैं। ऐसी आत्माएं कई एग्जाम्पल में मिल जाएगी तो आपको। बाबूजी, उसको रियल फायदा क्या होता है अगर वो माफी दे देता है वो खूनी को, तो उसको क्या शांति मिलती है इसका। ऐसा है कि जब महान आत्माएं होती हैं जी तो उसके कई जन्मों की उसकी तपस्या होती है, हाँ तो उसके ब्लड में ही होता है कि छोटी मोटी तो माफी करता रहता है, मगर बड़ी चीजों में भी माफी करता है, राइट। क्योंकि ये ऐसी बड़ी माफ करने वाला कोई साधारण इंसान नहीं होता। मतलब आपका कहने का मतलब है जो श्रेष्ठ आत्मा है वही माफी दे सकते हाँ, हैं, माफी दे सकती ऐसी चीजों में, राइट। बड़ी चीजों में, हाँ, मगर वो देखो उसको फायदा क्या है, वो ज्ञानी होता है। ये राइट महान आत्माएं होती है, ज्ञानी होती है, जी, बिल्कुल उसको ये पता होता है कि ये खून का बदला खून करने से कोई फायदा नहीं है। राइट। जो ज्ञान है कि कर्म बंधन में जो होना था वो हो गया, क्या हुआ जो होना था वो, हो गया, क्यों? कर्म बंधन आया ना, खून भी किया तो कर्म बंधन से खून किया ना। बिल्कुल सही बात हम है। बिना कर्म बंधन तो कोई खून करेगा नहीं। अब उसने खून कर दिया, फिर मैं सोचूंगा मैं भी खून करूं, फिर वो करेगा, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाएगा, तो आत्मा दुर्गति जाएगी। बाबूजी, आपने जैसे बीच में एक बात हमें बताई थी कि जैसे किसी इनका इंसान का कोई खून करता है, तो उस आत्मा को तो पता ही है कि मेरा खून इसने किया। तो वो जब वो तीन तत्वों में आती है, मतलब मृत्यु समय में उसके अंदर बहुत एंगर होता है, उसके अंदर बहुत क्रोध होता है, तो जब वो फिर से क्योंकि वो बदला तो लेना चाहती है, तो जिसने खून किया उसका पीछा करती रहती पूरी जिंदगी, जब तक उसको मौका ना मिल जाए उसका खून करने का। तो वो आत्मा बस यही चक्कर चलता रहता है, वो उसका खून करती है, फिर वो उसका करता है। तो ऐसा आपने जो बताया था कि जो मतलब आत्माओं को भी मृत्यु के बाद भी शांति नहीं मिलती, मतलब मृत्यु के बाद भी वो माफ नहीं कर सकती क्योंकि अज्ञानता उसके अंदर है। नहीं, कनिष्ठ प्रकार की आत्माएं होती है ना, राइट तमोप्रधान आत्माएं होती हैं, राइट तो मरने के बाद जब अंतमति सो गति भूत बनती है, जी। तो बोले ना उसने मेरे को मार दिया है, हाँ तो वो भूत बन के किसी में प्रवेश करके फिर उसका खून करेंगे। हाँ बिल्कुल मगर जो ज्ञानी पुरुष होता है, ज्ञानी तो आत्मा होती है, राइट।
वो सोचती है कि ऐसे जन्मो जन्म वो उसका खून करे, वो उसका खून करे, तो उससे आत्मा तमो प्रधान हो जाती है और उसको ज्ञान होता है कि आत्मा दर पेटी वैर 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 वसूलात करती है, बदला लेती रहती है, बदला लेती रहती है। तो बदला लेने से आत्मा की एनर्जी वेस्ट होती है, आत्मा तमो प्रधान और तमो प्रधान और तमो प्रधान प्रतिशोध। हाँ प्रतिशोध लेती है। तो फिर एक टाइम वो आत्मा की इतनी कैटेगरी आती है, वो शैतान समान बन जाती है। आत्मा क्या बन जाती है? शैतान। शैतान समान। और वो शैतान की पूजा करने लग जाती है, और ओके। शैतान की पूजा करने लग जाती है तो उसकी दुर्गति इतनी होती है, इतनी दुर्गति होती है कि फिर हिंदू शास्त्रों के हिसाब से 84 लाख योनि के चक्कर में पड़ जाती है। फिर ऐसी हो जाती है तो बाबू जी, शैतान की तो पूजा तब इंसान करने लगता है जब करते उसका करते भगवान पूजा। का भगवान के ऊपर भरोसा उसका खत्म हो जाए। जो शैतान जैसी आत्माएं होती हैं राइट, तो वो शैतान की पूजा करेंगे ना, जैसे रावण की पूजा करते हैं। बिल्कुल सही बात हाँ है। कई है ना रावण की पूजा करने वाले, हाँ तो कोई कोई राम की पूजा, राम की 99.99 करेंगे, मगर 0.01 भी रावण की पूजा करने वाले हैं ना। बिल्कुल है। हाँ तो सोचना चाहिए। तो ये ऐसी तो ऐसी कैटेगरी की आत्मा है, वो किसी को माफ नहीं कर सकती, मगर जो माफी करने वाली महान आत्मा है, जो बड़े से बड़े गुनाहों को माफ करती है, तो उसको फायदा क्या होता है? उसी आत्मा को बहुत बड़ा फायदा भी होता है कि सामने वाले को माफ कर देता है। तो सामने वाले जब माफ करता है, भले लोग कुछ कहे, कायर कहे, कुछ भी कहे, मगर ऐसी आत्मा है जब माफ करती है, तो उसको पहले तो जो माफ करने वाला है उसकी आत्मा को मन की शांति मिलेगी। सही बात है, क्या मिलेगी? मन की मन की शांति। शांति। फिर सामने वाला भी आत्मा ही सोचेगी ना कि इतने बड़ा हमने काम की कर्म किया, पाप किया हमने, हमें माफ कर दिया। तो सामने वाली आत्मा भी रियलाइज तो करती है ना, बिल्कुल करती। तो सामने वाली आत्मा भी जब रियलाइज करती तो उनके मन की दुआएं तो मिलती है ना। फिर इसके साथ साथ पर बाबू जी, वो क्या कर्म से छुटकारा हो जाएगा? माफ करने से सामने वाला का कर्म खत्म हो जाएगा? माफ करने वाली जो आत्माएं होती हैं जी, वो सामने वाली आत्माओं को माफ करती हैं, तो मतलब उसकी साइड से तो वो क्लियर हो हाँ गया। हाँ मगर सामने वाले जो आत्मा है वो हाँ भी फिर मन को फीलिंग करती है ना। बिल्कुल, तो फीलिंग करती है तो अंदर से जब पश्चाताप। पश्चाताप होता है, तो पश्चाताप करने से धीरे 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 पाप खत्म हो जाता है। तो पर बापू जी, पश्चाताप सिर्फ सोचना ही पश्चाताप है क्या? नहीं उसके लिए कर्म पश्चाताप करने करने के पड़ेंगे? लिए वो कुछ करती है ना, ऐसा हाँ, नहीं। पश्चाताप करने के लिए वो कई कर्म तो उसके करने पड़ेंगे कई श्रेष्ठ। विधियां हैं पश्चाताप करने की। हाँ। पश्चाताप करने के लिए कोई बहुत विधि है, अलग अलग करते हैं पश्चाताप की, अलग अलग विधियां हैं। सामने वाले को हेल्प करती है, मुआवजा देती है, कुछ ना कुछ पश्चाताप के रूप में कुछ ना कुछ तो करती है ना, मगर अंत में सब उसको उसके मन की आत्मा को शांति मिलती है। और जो फिर दूसरा क्या होता है, कर्म बंधन में और आगे नहीं आती। मतलब एक दूसरे को माफ करने से ये कर्म बंधन धीरे 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 खत्म हो जाते हैं। वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, हमें भी नहीं ऐसा शांति नहीं होता, मिली आपस कुछ। में प्यार भी बढ़ता है बाद में, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ जब कोई ऐसा होता है कि राइट। पहले कई आपस में परिवारों में आपस में, पहले राजाओं के परिवार में आपस में खून हो जाते थे, भाई भाई खून कर देते थे, हाँ तो परिवारों में आपस में फिर प्यार पड़ जाता है, प्यार से फिर पावर बढ़ता है, फिर सब साथ में मिलकर अच्छे कर्म करते हैं। तो पहले तो ये गुण जो है, माफ करने का गुण सबसे बड़ा गुण है, और जब एक गुण आत्मा में आता है राइट। तो फिर धीरे धीरे करके दूसरा गुण आएगा, ओके। उसको फिर सच्चाई अंदर से निकलती आएगी, मन की शांति मिलेगी, राइट मन शांत स्वरूप बनेगा, राइट। फिर समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, फिर धीरे धीरे उस सारी शक्ति अंदर आत्मा के अंदर आएगी, मन के अंदर आएगी, और अच्छा अच्छा कर्म करने जैसा उसको अंदर महसूसता होगी, और लोगों की सुभावनाएं मिलेगी। नहीं ये तो बहुत बड़ा इंसान है, देखो उसने माफ कर दिया, तो लोग भी फिर अंत में तो उसको समझेंगे ना, तो उसका हृदय परिवर्तन होना हृदय शुरू है। परिवर्तन, सामने वाला का भी हृदय परिवर्तन हो जाएगा। तो बाबू जी, एक उंगली मार करके भी था ना एक कहानी ऐसी कोई? हाँ जो गौतम बुद्ध के सामने था ना, एक उंगली मार की कहानी है ना वो, तो जैसे वालिया लुटारा की भी कहानी है। तो सब कहानियां तो शास्त्रों में है, मगर सबका हृदय परिवर्तन नहीं होता, किसी किसी का होता है। इसलिए एक गुण होते हैं, एक जो गुण है तो उसमें अनेक गुण आ जाते हैं। फिर ओरिजिनल आत्मा जब बहुत हाई क्वालिटी की बनती है आत्मा, तब उसके अंदर अंतर जो मन है, मन जब धीरे 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 मन की गहराई में जाता है, आत्मा शांति में जाती है। आप शांति में जाने से अनेक गुण डेवलप होते हैं आत्मा के अंदर, और अंदर से ही आत्मा के अंदर धीरे धीरे वो ज्ञान की तरफ जाती है आत्मा। बाबू जी, बीच में बोलना चाहूंगा कि आपने एक बहुत बढ़िया बात बताई थी एक बार,
जैसे कोई भी व्यक्ति, उसके सामने कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो उसको देखते ही उसके अंदर के कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर के अंदर जो उसकी उसके उसके प्रति जो रिकॉर्डिंग उसके अंदर डाली, मतलब रिकॉर्ड हुई है, वो रिकॉर्डिंग उसके सामने एक वीडियो की तरह बाहर आती है, जैसे आपने बताया था। इसी तरह वो रिकॉर्डिंग उसके माइंड में खुलती है और उसके अंदर एक भाव पैदा होता है, इसीलिए वो सामने वाला बंदा अच्छा लगता है या उसको बुरा लगता है, या उसको दुश्मन जैसा लगता है या दोस्त जैसा लगता है, सामने वाले से भावना अच्छी आती है या बुरी आती है, अल्टीमेटली वो सब रिकॉर्डिंग हमारे अंदर ही समाया हुआ है। आप जरा इसके ऊपर प्रकाश डालिए। जैसे जी कोई भी मनुष्य, कोई भी आत्मा तुम्हारे सामने आती है जी तो तुरंत तुम्हारे दो भाव में से एक भाव आता है, उसके प्रति प्यार आता है, देखते ही प्यार आ जाएगा, ठीक है या तो देखते ही चलो ये कोई ज्यादा प्यार नहीं आएगा, अच्छा होगा तो नफरत भी नहीं आएगी, मगर अटैचमेंट नहीं होगा उसके बिल्कुल प्रति। सही बात है। तो ये कहाँ से आती है? हाँ तुम उसको बिल्कुल जानते नहीं हो, पहली बार देखा है तो भी तुम मेरे प्यार आ जाता है राइट। और दूसरे को नफरत करते हो। तो ऐसा मन के अंदर भाव कहाँ रिकॉर्डिंग है? कहते हैं ना आत्मा में तो सब रिकॉर्डिंग है, मगर आत्मा से निकलकर हमारे कारण शरीर में हर कोई चीज, कई अनेकों, जब से आत्मा का जन्म हुआ तब से हर कर्म रिकॉर्डिंग हुआ है। बिल्कुल तो कई आत्माओं का जो तुम्हारे कारण शरीर में रिकॉर्डिंग पड़ा है, सामने आत्मा आते ही कारण शरीर में वो तुरंत ही वो रिफ्लेक्शन फोटो तुम्हारे अंदर फ्लैश होगा, कारण शरीर तुरंत माइंड को भेजेगा एक पल में, और तुरंत ही माइंड डिसीजन ले जाएगा अच्छा है या बुरा है। तो तुरंत अच्छा है तो तुम्हें प्यार आएगा, बुरा है तो थोड़ा सा नफरत आएगी। तो बापू जी क्या इसका कनेक्शन फॉरगिवनेस से है? हाँ जरूर है ना, कैसे? क्योंकि देखो आत्मा जब फर्गीव करने जाती है किसी को, माफ करने जाते हैं। हाँ, तो अंदर रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ उसको अंदर से तो आता है ना, जो अंदर से ज्ञानी, आवाज आएगी तभी तो कोई माफ करेगा नहीं ना। अंदर से आवाज आएगी, हाँ पहले तो आवाज आएगी तो उसको माफ ना कर, हाँ ठीक है अंदर से आवाज आएगी चाहे कितना भी महान आत्मा ठीक हो, है। मगर अंदर से आवाज आएगी क्योंकि अंदर हाँ रिकॉर्डिंग पड़ा है नेगेटिविटी उसके राइट। प्रति। मगर आत्मा धीरे धीरे सोते सोते डिसीजन लेता है कि भाई, बहुत अपने मन को कंट्रोल करता है, त्यागी तपस्वी, अनेकों जन्म से त्यागी तपस्वी है, सोचता है कि बदला लेने से क्या फायदा, माफ कर दो माफ कर दो, अंदर सोचता रहता है माफ करो माफ करो माफ करो माफ करो। तो उसके साथ वो मनुष्य आत्मा केवल अकेला डिसीजन नहीं लेती, उसके साथ सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं भी उसको रेत मार के बोलती है तो उसको माफ कर दे माफ कर दे माफ कर दे। केवल मनुष्य अकेला संसार में कोई डिसीजन नहीं लेता ऐसे कामों में, सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं भी उसके साथ होती है, और सूक्ष्म जगत वाली जब अच्छी आत्माएं होती है तो उसकी आत्मा पर रेत डाल के। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि उसके खानदान के जो परिजन है, जो मृतक आत्मा है, उसके दादा परदादा, उसके परपोत्र, जो भी, वो सब आत्मा उनको मदद करती है डिसीजन लेने में? हाँ जरूर। तो वो आत्मा जब फर्गीवनेस पे आती है तो बहुत उसको मन को बहुत डिसीजन लेने में पहले एक साथ में नहीं होता, इतनी महान आत्मा है तो अभी बहुत कम है कि एक दिन एक सेकंड में माफ कर दे जा कोई बात नहीं। हाँ नहीं, इंसान ये भी तो सोचता है ना कि चलो कल को मेरे को काम आ जाएगा, चलो माफ कर देते हैं, ये भी ऐसे तो भाई, भाव आते हैं ना हर एक इंसान में। ऐसे अलग अलग देखो कई कारण से माफ करता है, कोई बिल्कुल डर के मारे भी माफ कर देता है, चलो आज तो एक खून कर दिया हाँ कल बिल्कुल दूसरा सही कर बात देगा, है, वो ज्यादा पावरफुल है मैं कमजोर हूं वो सही सोच के बात भी है, माफ करता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि चलो मुझे उससे कोई लालच है कि चलो ये मर्डर हो गया उसके बदले में कुछ एक्सपेक्टेशन है, पूरी एक्सपेक्टेशन पूरी करेगा, राइट राइट मगर राइट जो बिना एक्सपेक्टेशन बिना डरे हाँ हाँ जो हाँ माफ हाँ करने वाला होता है पावरफुल होता है राइट। वो कोई विरला ही होता है। इसलिए बहुत उसके गुण डेवलप होते हैं, फिर आत्मा के अंदर शांति आती है तो उसके अंदर से ज्ञान इमर्ज होता है, आत्मा के अंदर स्वचिंतन ही आता है, और स्वचिंतन से धीरे धीरे गुण के शब्द आते हैं और गुण बहुत गुण आ जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे ज्ञान की ओर जाती है और परमात्मा की ओर जाती है। तो बाबू जी इसके पीछे सेल्फ मोटिवेशंस बहुत जरूरी है ना, देखो अपने आप को मोटिवेट करते रहना, अपने आप को जगाते रहना कि भाई आगे बढ़ो, जिंदगी में ये सब चीज़ों से आगे बढ़ो, सॉल्यूशन ढूंढो हर चीज़ के, मतलब कोई अगर गलती हो भी गई तो उसका सॉल्यूशन ढूंढो, उसको माफ़ करो या उसे आगे कैसे हैंडल करना है, ये सब चीज़ तो अपने आप को मोटिवेट करना भी बहुत ज़रूरी है। देखो मोटिवेशन करने के लिए तुम्हें हर चीज का ज्ञान चाहिए, ऐसे मोटिवेट नहीं होते आजकल, जो जैसे आज मोटिवेशन की एक फैशन निकल पड़ी है, हाँ मोटिवेट मोटिवेट के सब क्लास आते हैं, मोटिवेशन मोटिवेशन, हाँ ठीक बात मगर कौन सा मोटिवेशन? क्या लौकिक में तो मोटिवेशन करते हो तुम, मगर ये ऐसे कर्मों में श्रेष्ठ कर्म का एक मोटिवेशन चलाना चाहिए। तो श्रेष्ठ कर्म क्या है उसकी डेफिनेशन ही आजकल पता नहीं,
तो सत्य कर्म क्या है? तो ज्ञान, जो ज्ञान आत्माओं को आता है, ऐसी आत्मा महाज्ञानी बनती है धीरे धीरे, गुण डेवलप होते हैं और जीवन में गुण धारण करते हैं। तो बाबू जी, ये फॉरगिव करने से, माफ करने से कोई अपने अंदर इमोशंस भी पैदा होते हैं? जरूरत है, जब ये फर्गीव करता है, जब माफ करता है, दूसरों को माफी देता है, जी। तो उसके अंदर प्यार उमड़ पड़ता है, उसके अंदर, उसकी आत्मा के अंदर, मन के अंदर। क्योंकि आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कार है ना, तो उसके संस्कारों में ये फर्गीवना संस्कार आ गया ना, बिल्कुल, माफ माफ करने करने का का संस्कार संस्कार, आया, राइट, शक्ति तो आ उसकी गई। बुद्धि बुद्धि प्योर हो गई ना, अच्छी हो गई ना, बुद्धि रिफाइन हुई, उसका मन पवित्र बन गया। तो मन पवित्र बनता है तो अंदर से एक माफ करता है, तो उसके अंदर जरूर भाव आता ही है, और भावना के बिना तो माफ कर ही नहीं सकता। बाबू जी, जैसे एक सामान्य इंसान होता है, जब भी हर्ट होता है, मतलब कोई दुखी होता है, तो वो बदला लेने की चाहना रखता है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? क्या दुखी इंसान को किसी की शरण में जाना चाहिए? क्या भगवान ही उस मनुष्य को दुख से निकाल सकता है? ऐसा है, डायरेक्ट भगवान तो कोई आएगा नहीं ना। हाँ, ये तो है। हाँ, एक आपको एग्जाम्पल दे दो, इतनी बड़ी ब्रह्मांड का मालिक, हाँ, तुम्हें देवी देवता हेल्प करते हैं, इसलिए तो तुम देवी देवताओं की पूजा करते हो। हाँ, ये तो सही बात है। जिसको तुम पूजोगे ना, वही तुम्हें हेल्प करने आएगा। बिल्कुल ठीक मगर है। आजकल तो तुम इतने देवी देवताओं की पूजा करते हो, तो कोई में से कोई नहीं आएगा, एक को मानो किसी को भी। तो भगवान तो डायरेक्ट नहीं मदद करता ना, क्योंकि तुम उसको जानते ही नहीं हो। इस ब्रह्मांड के बनाने वाले मालिक को जानते हो? नहीं जानते ना। उसका रूप रंग क्या है, गुण क्या है, कहाँ रहता है, कैसे रहता है, तो तुम जानते ही नहीं, तो उसको तुम कैसे याद करोगे, उसके एक्सपेक्टेशन क्या करोगे? तो ये शोक और दुख से मुक्ति कैसे मिले उसे? उसको जो परमात्मा को ढूंढे, ज्ञान से ही सब कुछ दुख और अशांति का मुक्ति होती है। ज्ञान, ज्ञान से तुम्हें पहचान आती है सत्कर्म क्या है, तुम्हारे सामने दुख अशांति क्यों हो, वो ज्ञान से पता लगता है ना। ज्ञान से पता लगेगा मेरे दुख मेरे विकर्म है, तो मेरे सामने दुख और अशांति मेरे को अपने कर्मों का फल है। तो ज्ञान आएगा, ज्ञान आएगा तो फिर ज्ञान सागर में डूबेगा, तो फिर परमात्मा को याद करेगा, परमात्मा को जानेगा, मानेगा, फिर उसको याद करेगा, उसे योग लगाएगा, तो उसमें पावर आएगा, पावर आएगा तो फिर धीरे धीरे विकर्म विनाश हो जाएगा, और विकर्म विनाश हो जाएगा तो आत्मा बहुत पावरफुल हो जाएगी। तो बाबू जी, जो आत्मा मृत्यु के बाद भी अगर माफ नहीं करता दूसरों को, तो उसकी आत्मा की क्या गति होती है? जब ऐसी आत्माएं होती है, किसी को माफ करने वाली आत्मा नहीं है, सबको बदला लेने वाली आत्मा है, तो ऐसी आत्माएं रिबोर्न नहीं होती है। वो भूत प्रेत बनकर बदला लेने के लिए घूमती रहती है। हाँ, आज उसका बदला लेना है, उसमें प्रवेश किया, उससे बदला लिया, कल उसको गिन गिन के बदला लेती है ना। तो वो आज उसका बदला लेने के लिए फिराक में रहती है, किसमें प्रवेश करूं, कि कैसे लूं। बाबू जी, ऐसे बहुत फिल्में भी आई है, 20 साल बाद, 100 साल बाद, पता नहीं कैसे कितने सालों बाद। तो लोगों को अच्छी फिल्म है दिखा रहे हैं ना। नहीं, अच्छी नहीं थी, उसके अंदर तो बदला लेने की भावना थी, अच्छी फिल्म तो नहीं थी, हाँ, तो मगर मतलब बताते हैं ना। प्रतिशोध लेने के लिए बताती हाँ, है। मगर प्रतिशोध जब अक्कल आएगी कि प्रतिशोध लेने से क्या होता है, तो प्रतिशोध लेना बंद करेगा ना, कि प्रतिशोध लेने के आत्मा तमो प्रधान ही बनती है, नुकसान ही है। तो बदला नहीं लेना है, बदल के सिखाना है। क्या बदला नहीं लेना है, उसको बदल के दिखाना है ना। अच्छा, माफ कर दो, क्या जाएगा। हाँ, ये सोचो भी जो होना था हो गया, अब दो फिर बार 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 बदला बदला लेने से क्या फायदा। इसलिए बदला लेना सोच ही कर दो, कमजोर आत्माएं बदला लेती है। बाबू जी, एक बहुत मस्त मेरे को व्हाट्सएप किसी ने, फ्रेंड ने किया था, उसके अंदर ये लिखा था कि जैसे हम कड़वी दवाई है तो उसको हम चबाते नहीं, 1 सेकंड में गले से नीचे उतार देते हैं, और चिंगम है उसको बार बार चबाए जाते हैं, तो मतलब ये था उसके पीछे कि दुख है जो उसको 1 सेकंड में नीचे उतार दो, और सुख की बातें बार बार चबाया, मतलब उसको ही बार बार रिपीट करो, दुख की बात को गले से उतार दो नीचे और उसको रिपीट ना करो, मतलब यही है कि जो आप बता रहे हैं। अब बाबूजी, आगे एक और क्वेश्चन है, जैसे खानदान के अंदर श्राप मिलता है, पूरे का पूरा खानदान, पीढ़ी की पीढ़ी मिल जाती है, तो पूरी पीढ़ी की पीढ़ी बर्बाद हो जाती है, क्या ये फर्गिवनेस से, एक क्षमा देने से या सब क्षमा मिलने से वो खानदान की मतलब अच्छी उसकी गति हो सकती है? क्योंकि इससे देखो, तो ऐसा बर्बादी है, होती रहती है जो खानदान की। खानदानी श्राप मिलता है, जी वो श्राप देने वाला कोई साधारण नहीं होता। हाँ, वो तो है, कोई श्राप देने वाला कोई ऋषि मुनि बहुत बड़ी तपस्वी होता है, राइट और तपस्वियों को किसी ने भी तंग किया है, राइट तो
तो वैसे वो श्राप देते नहीं है, मगर बहुत तंग हो जाते हैं, बार बार तंग करते हैं उसको। तब पूरे खानदान को श्राप देते हैं। एक दो बार जब त्यागी तपस्वी ऋषि मुनि होते हैं, वैसे किसी को छोटी मोटी बातों का श्राप नहीं देते, बिल्कुल, मगर उसी खानदान से बहुत तंग होते हैं, बहुत दुखी होता है, और लगता है कि ये खानदान असुरों का भरा हुआ है, और ऐसे असुरों को तबाह कर दो नहीं तो दुनिया का भी कल्याण करेगा। ओके, इसलिए ऐसे असुरों को ही ऋषि मुनि बड़े बड़े खानदान को श्राप देते। तो साधु संत इतने गुस्से, मतलब ऐसा दिखाया जाता है कि वो बहुत गुस्से में रहते हैं, कपित रहते हैं, तो इसका कारण क्या है? ऐसा कि वो सामने वाले की रिकॉर्डिंग देख के वो गुस्सा होता होगा, ऐसा? ऐसा है कि जो साधु संत है, असली जो सन्यासी हम कहते हैं ना जी, वो तो पहाड़ों की गुफाओं में अपनी समाधि अवस्था में रहते, वो बाहर नहीं आते। हाँ हाँ और जो बाहर साधु संत जो देखते हो ना, वो ज्यादातर असली साधु संत नहीं होते। जो आप नागा बाबा देखते हो ना, वो बड़े बड़े मेले में, कुंभ मेले में, तो जब वो ऐसे गंगा स्नान होता है तो कभी कभार में बाहर आते हैं। बाकी तो भभूति लगाकर, भभूति लगाना माना ये संसार के भभूति लगा दिया उसने, गंगा स्नान किया, क्योंकि उससे संसार से कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे जो सन्यासी जो क्रोध करते हैं, क्रोधाग्नि में रहते हैं, वो असली साधु संत नहीं है। क्रोध हमें, असली साधु संत तो शांत स्वरूप रहते हैं। बाबू जी, अब बहुत बड़ी बात है कि श्राप कैसे, श्राप से मुक्ति कैसे मिले? क्या वो कारण, जो कॉजल बॉडी, मतलब कारण शरीर के अंदर रिकॉर्ड होता है या उसके डीएनए में रिकॉर्ड होता है, ये बताइए। देखो श्राप, मैं आपको एक एग्जांपल शास्त्रों के आधार से दूं। हाँ बिल्कुल। कितना बड़ा श्राप मिलता है एक बात बताऊं। हाँ हाँ। कि जैसे कपिल मुनु ने, हाँ, सागर सागर के 100 पुत्रों को श्राप दे दिया कपिल मुनि ने, और जलाकर भस्म कर दिया, ठीक है। अब अपने उसके कुल में जो राजा हुए, सागर के 100 पुत्रों को जलाकर कपिल मुनि ने भस्म कर दिया, राख हो गई, क्या हो गया? राख हो। तो उसको जिंदा करने के लिए उसके पेड़ियों में जो राजा भगीरथ हुआ, उसने फिर गंगा को नीचे उतारा और फिर उसके गंगा स्नान कराया, तब वो भस्म से वो जागृत हो गए। तो ऐसा श्राप देने वाले, अब कपिल मुनि क्या कोई साधारण मुनि तो था नहीं कपिल मुनि, फिर भी उसने ऐसा कर्म क्यों किया? आवेश में आके, आवेश में आके, जो भी आप देख लेना, अब इनकी बात बार बार शास्त्रों में ऐसी बहुत बातें हैं। तो जब सन्यासी की बात बोलो ना, सन्यासी जो क्रोधायमान होते हैं, साधु संत का क्रोधायमान होते हैं, वास्तव में साधु संत जब क्रोधायमान होते हैं तो उसकी पूरी एनर्जी अभी कैजुअल बॉडी में आग लग जाती है गुस्सा होने से, जो हमारा कारण शरीर है। नहीं, जिसको श्राप मिलता है उसकी, हम पहले तो जो गुस्सा होने वाला सन्यासी की बात करते हैं। ओके ओके, ठीक है, जरा ये समझ लें। हाँ हाँ हाँ। कि जो गुस्से होने वाला है वो असली साधु संत नहीं है। जो असली साधु संत होता है ना, वो एकांतवास रहते हैं, समाधि अवस्था में रहते हैं। इसलिए पहले तो ये समझा कि जो गुस्से वाला है वो साधु संत ही नहीं, उसके पास कोई एनर्जी नहीं है। मगर ऐसे कपिल मुनि जैसे कभी मिल जाए तो, मगर उसकी एनर्जी कितनी वेस्ट हो जाती है, कई साल, कई अनेक जन्मों की तपस्या वेस्ट हो जाती है, हजारों साल की तपस्या एक एक पल में वेस्ट हो जाती है। इसलिए जो गुस्सा होने वाला है, सबसे ज्यादा गलत निशानी है गुस्सा करना। गुस्सा होने से उसका कारण शरीर आग में भस्म हो जाता है, और इतना अच्छी पुण्य का खाता खत्म हो जाता है। इसलिए गुस्सा किसी को नहीं करना चाहिए, चाहे मनुष्य हो चाहे साधु संत। तो अपने आप पर गुस्सा पे कंट्रोल करना मुश्किल तो है थोड़ा, क्योंकि ये लोगों के साथ काम करना बहुत मुश्किल है, मगर ये हमेशा योग युक्त रहो, योग में रहो, परमात्मा की याद में रहो, तो यही संभव है। बाकी गुस्सा तो बाबू जी, जिसको श्राप मिलता है उसका क्या, उसके डीएनए में वो लग जाती है? जब श्राप मिलता है तो सामने वाला अपनी सारी एनर्जी श्राप वाले पर लगा देता है। तो जो श्राप देने वाला है उसकी सारी एनर्जी, उसकी आत्मा में जितनी शक्ति है, वो सामने वाले को नेगेटिव में कन्वर्ट कर जाती है। तो उसका श्राप की जो नेगेटिव एनर्जी है उसके कारण शरीर में आ जाती है, और सारा कारण शरीर में नेगेटिव एनर्जी जो आने से कारण शरीर काफी डिफेक्ट हो जाता है। और ये कारण शरीर को किसी का श्राप देने वाला कितना महान है उस पर आधार रखता है। ओके। अगर बहुत महान आत्माएं श्राप दे दे तो उससे बचना, फिर दर पेढ़ी पेढ़ी तुम्हारे हर जन्म में कई श्राप से मुक्त होने के लिए उसको भोगत नहीं पड़ता है। तो बाबू जी, श्राप से बचने के लिए वो लोग प्रार्थना भी करते हैं कि हमें ये श्राप से बचने का कोई तोड़ बताओ, तो फिर वो बोलते हैं कि योग करो, पूरी जिंदगी की जिंदगी तप करो, साधना करो।
जैसे एक बात बता दूं कि किसी को भी जब श्राप मिल जाए ऐसा कर्म क्यों करते हो? इंसान को पहले चाहे कोई भी हो, आत्मा कोई भी हो, चाहे महान आत्मा हो, चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे मनुष्य हो, उसको कर्म करने से पहले ही सोचना चाहिए कि किसी को गुस्सा आए ऐसा कर्म क्यों करते हो, और गुस्से में आकर तुम्हें श्राप दे दे, ऐसा कर्म ही नहीं करना चाहिए। पहले कर्म करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए कि मैं कर्म करूं ना करूं। यहाँ तो ज्ञानी पुरुष सोचने से पहले सोचते हैं कि मैं सोचूं या ना सोचूं, क्योंकि सोचने से भी कर्म बंधन लग जाता है, सोचने भी एनर्जी वेस्ट होती है। इसलिए श्राप मिलना या श्राप देना ये सब बहुत अति बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। उससे हमारी कैजुअल बॉडी कारण शरीर पर कितना इफेक्ट होता है, बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। कई अनेकों जन्म तपस्या करने के बाद वो जैसे चंद्र को श्राप दे दिया, दक्ष प्रजापति ने चंद्र को श्राप दे दिया, तो उसको फिर कितनी इफेक्ट हुई, पूरा बॉडी के अंदर आग लग गई उसके अंदर। फिर उसने शिव का ये जो सोमनाथ का जो पहला शिवलिंग बनाया था उसने बनाया, और फिर कितनी तपस्या की, तो कितने साल तपस्या की, उसका उपाय भी बताया लोगों ने कि ये कर ये कर ये कर। तो किसी सबसे पहला है कि महान आत्माओं के कनेक्शन में तुम आओ ही मत। अगर तुम तमो प्रधान हो तो महान आत्माओं के कनेक्शन में ही मत आओ, तो इससे दूर रहो, इससे दूर रहो, क्योंकि तुम तमो प्रधान आत्मा हो, और तुम्हारे से कोई भूल हो जाएगी और ऐसी पावरफुल आत्माओं का श्राप मिल जाएगा। कोई ज्ञानी पुरुष हो, महान आत्मा हो, तपस्या करने वाला हो, और उसको तम करोगे भूल से भी एक बार अंदर से मन से अंदर उसकी आग भी निकल जाए, तो इस जन्म नहीं कई जन्मों तक वो फल दे नेगेटिविटी आएगी। इसलिए ऐसी महान आत्माओं से दूर रहो या दूर से नमस्ते करो, उसके पास जाने की हिम्मत मत करो। इसलिए बहुत सोच समझ के इसका ज्ञान होना चाहिए, इंसान को आजकल ज्ञान होना चाहिए कि हम किसके लायक मिलने लायक है, किसके पास जाने लायक है, क्या कर्म करे क्या ना करे, ये सब नॉलेज होना चाहिए। इसलिए आप ये सब ज्ञान साधारण आत्माओं के लिए नहीं है, जो महान आत्मा है उसको लिए संसार से हर कोई से बचना है, किसी से बचना है, सबसे बचना है। जैसे राजा महाराजा को दंड से बचते हैं ना, ऐसे महान आत्माएं भी हैं जो माफ भी कर देती है, मगर वो गुस्से में आ जाए तो किसी को श्राप भी दे देती है। तो इसलिए ऐसी आत्माओं से हमें दूर रहना चाहिए। तो बाबू जी, जैसे अंत मते सुगति, मृत्यु के समय पे, अब जिस किसी को हार्ट अटैक हुआ, किसी की बुरा किसी ने बोल दिया और उसको उसने अपने दिल में लगा लिया और उसे हार्ट अटैक आ गया, तो उस आत्मा का फिर क्या होगा? देखो दो आत्माओं को सोचो पहले, जिसने बुरा बोला ठीक है, और जिसको लगा, जो निमित्त बना, जो उसको हार्ट अटैक आ गया, किसी ने कुछ बोल दिया उसको फीलिंग में आ गया, राइट, फीलिंग में आया और इसी इसकी इफेक्ट हार्ट पर हो गई, तुरंत हार्ट अटैक, वो मर गया। तो उसकी आत्मा तो वो उसने सोचेगा ना मन मरते वक्त कि मैं उसके कारण में मर गया, उसके कारण में मर गया, बिल्कुल। तो मरने के बाद तो वो फिर उसको बदला लेगी, अगर बदला लेने वाली आत्मा है तो बदला लेगी, मगर सोचे ज्ञानी आत्मा है भाई मुझे बदला नहीं लेना, मुझे ऊपर जाना है, मुझे इन चक्करों में नहीं पड़ना है, तो उसको ये सोचना चाहिए कि मेरे बुरे कर्म हो गए इसलिए मुझे ये मिल गया और ज्ञानी दिया और मेरा ये हो गया। ज्ञानी तो आत्मा होती है तो ये सोचता है कि चलो उसने जो मेरे को मेरे कर्म बंधन मेरे सामने आए, मगर अच्छा ने शरीर छोड़ गया तो 5 तत्वों के शरीर तो छूट गया, 3 तत्वों में आए और पुरुषार्थ करूं, हाँ ऊपर जाऊं, तो ज्ञानी आत्मा ऐसा अच्छा सोचती है। और जो बदला लेने वाली नेगेटिव आत्मा है वो उल्टा सोचती है, इसलिए सोच पर डिपेंडेंट है। तो आत्मा को हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, जो हुआ अच्छा हुआ, अब कल्याण में भी कल्याण समाया है। मैं तो सोचता हूँ उसका शरीर छूट गया अच्छा हो गया ना, अच्छी सोचे भी चलो 5 तत्वों का कर्मों का हिसाब किताब से ऊपर जाके चुकते कर दूंगा, ऊपर जाऊं मैं सूक्ष्मोदन में जाऊं, उससे ऊपर कारण जगत में जाऊं, विष्णुपुरी जाऊं, शिवपुरी जाऊं, परम धाम जाऊं, पुरुषार्थ करते हैं ना, मनुष्य भी ज्यादा पुरुषार्थ चाहे तो सूक्ष्मोदन में कर सकते हैं पुरुषार्थ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मृत्यु के बाद भी आत्मा पुरुषार्थ कर सकते, मृत्यु के बाद भी ऊपर सूक्ष्मोदन में ऐसे कई साधु संत उसको पुरुषार्थ कराते हैं, बड़े बड़े आश्रम ऊपर है सूक्ष्मोदन में, और ऊपर जाने का रास्ता दिखाते हैं। तो बाबू जी, ये हेरिडिटी और जनरेशन टू जनरेशन, जैसे कोई बीमारी है डायबिटीज है तो वो पूरे मतलब दादा को आती है, फिर उसके लड़के को, फिर उसके लड़के को, ये क्या ऐसा उसका कोई इसका कारण है उसका? ऐसा कहते हैं जो दादा परदादा के डीएनए में होता है वो इसकी
हेरिडिटी में आता है, हेरिडिटी में आता है या उसके बच्चों में आता है। हुँ। बात तो सही है, मगर जब पावरफुल आत्माएं होती हैं तो वो अपने डीएनए खुद का लेकर भी आता है। मैं आपको बता दूं, जैसे कोई वंश में तो ऐसे जो आत्मा का अपना भी ओन पावर होता है ना, जैसे मैं बताऊंगा, एक बाप के 5 बच्चे ठीक है, तो 3 को इनहेरिटेड रोग मिल गया और 2 को इनहेरिटेड रोग नहीं मिला। बिल्कुल, तो उसका कारण क्या है? क्योंकि दो कोई पावरफुल आत्मा है, राइट, उन्होंने वो डीएनए को अपने योग बल, मतलब अपनी खुद की आत्मा की पावर से वो डीएनए को बदल दिया जन्म गर्भ जेल में ही। ओहो, गर्भ में जब आत्मा जब शरीर बनाती है, हाँ। तब आत्मा जब वो तो थोड़ा 3-4 महीने होती है, तब आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर लेती है। पहले तो सेल जाता है, तो सेल से आत्मा बनती है, शरीर बनता है, शरीर बनता है, राइट। और जब आत्मा जब धीरे धीरे प्रवेश करती है तो उसको वो पावरफुल आत्माएं होती है, राइट। तो पावरफुल आत्माएं तो अपना जो शरीर का अंदर का स्ट्रक्चर जो बनाती है अंदर, बॉडी गर्भ के अंदर, राइट, तो वो अपनी आत्मा का इतना पावर होता है कि स्ट्रक्चर ही अच्छा बना लेती है, ताकि उसकी बॉडी ऐसा बन जाती है। उसका कारण शरीर ही पावरफुल है, तो कारण शरीर डैमेज दिए तो उसका बाप का कारण शरीर उसके अंदर इफेक्ट नहीं करेगा। तो बाबूजी, ये जो उस बच्चे पे आने वाले बच्चे पे जो प्रिडिक्शन कोई करता है कि इसको भी उसके बाप की तरह ये प्रॉब्लम होगा, तो वो प्रिडिक्शन फेल हो जाती है? फेल हो जाएगी, 100% कहूंगा फेल हो जाएगी। वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात बताई। देखो आपको एक बात बताऊं, कहते हैं ना जैसा बाप वैसा बच्चा है। अगर जो प्रहलाद था तो हिरण्यकशिपु जैसा महान असुर के घर पैदा हुआ ना, बिल्कुल, तो किसी ने प्रेडिक्शन कर दे कि नहीं है तो असुर ही बनेगा। हाँ हाँ, सही बात है। लेकिन वो तो विष्णु, तो उसका डीएनए नहीं, तो डीएनए का तो उसका बाप का डीएनए तो असुर था। सही बात है। हाँ, तो वो बच्चा भी असुर बनना चाहिए डीएनए, मगर वो तो नहीं बना ना, नहीं बना। तो कोई पावरफुल आत्मा उसके घर में आई ना, चले भगवान विष्णु ने अवतार लिया हो, बिल्कुल बिल्कुल, तो कोई पावरफुल देवी देवता आत्माएं भी उसके घर में आ जाए तो उसके बाप का डीएनए काम नहीं करेगा ना। तो डीएनए, उसका बाप का डीएनए कौन आएगा? कमजोर आत्माओं में उसका बाप का डीएनए आएगा। ओके, बाप के संस्कार थोड़ा है कि अच्छा कोई आत्मा आ जाए उसके घर में तो सोचेगा मेरे बाप तो कूड़ा कचरा उठाने वाला है तो क्या मैं भी कूड़ा कचरा उठाऊंगा। वो पढ़ लिख के आगे बढ़ता है तो संस्कार बदल जाते हैं। इसलिए कई बार हम पढ़ते हैं कि लारी चलाने वाले का लड़का IRS बन गया, IPS। हाँ, तो ये तो उसका संस्कार उसके डीएनए में नहीं आया ना। जैसे आपको बताऊंगा, संत राईदास थे तो वो चमार थे ना, ओके, मगर संस्कार उसके बाप भी चमार था ना। हाँ, तो वो इतने बड़े समार होकर भी इतने बड़े थे कि उसके सामने बहुत बड़े बड़े गुरु भी उसके सामने झुक जाते थे। हाँ, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बाप का डीएनए बच्चों में आ जाए। ओके, आत्मा की अपनी ओन कैटेगरी है कि नहीं है? हुँ, तो अपनी ओन कैटेगरी लेके भी बॉर्न होते हैं। ओके, देखिए बाबू जी, एक और एक मेरे पास प्रोवर्ब थी कि विदाउट कम्युनिकेशन देयर इज नो रिलेशनशिप, राइट, विदाउट रिस्पेक्ट देयर इज नो लव, विदाउट ट्रस्ट देयर इज नो रीजन टू कंटिन्यू। मतलब ये इसका अगर मैं मीनिंग इसके साथ अगर मिलाना चाहूँ कि विदाउट कम्युनिकेशन, अगर हम किसी से बातचीत नहीं रखते तो इसका मतलब हमारा रिलेशन नहीं है उससे। अगर हम किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते इसका मतलब हमारे मन में उसके लिए प्यार भी नहीं है, ठीक है। और अगर हम किसी के विदाउट ट्रस्ट, हम ट्रस्ट नहीं रखते तो उसके साथ आगे जाना भी हमें नहीं चाहिए। तो क्या ये इसका ये सब चीज़ से कोई मतलब निकलता है? ये सभी चीज़ों का हिसाब किताब कर्मों के होता है। जैसे कहते हो ना, क्या सबसे पहला सब्जेक्ट क्या है उसमें बोला? उसमें लिखा है कि विदाउट कम्युनिकेशन देयर इज नो रिलेशनशिप। जब कोई आत्मा का कम्युनिकेशन हालचाल ही नहीं है। मैं एक बताऊं, कोई अनजान आत्मा सामने आ जाती है, राइट, और तुम्हें उसके बात करने की इच्छा नहीं होती। हाँ। चुपचाप ट्रेन में जा रहे हो, आमने सामने बैठे हो, मगर चुपचाप बात नहीं करते, ठीक है, उसे बात करने की इच्छा नहीं है, तो आप उसके कर्म बंधन में नहीं है। और सामने दूसरी आत्मा पड़ोस में बैठी है मगर उससे बातचीत कर रहे हो, तो उसका कनेक्शन वाली आत्मा है। कर्मों का हिसाब किताब उससे है। ऐसी तरह हर कोई कर्मों का हिसाब किताब से ही कनेक्शन में आते हो। कई आत्मा नए कनेक्शन नहीं जोड़ना चाहती, ऊपर से ही जन्म लेते वक्त ही सोचती है कि मुझे अपने विकार विनाश करना है, इसलिए मैं इस जन्म में जाके कर्म बंधन में ना हूं, इसलिए उसके जन्म से पहले ही वो सोच के आती आत्माएं, फिर भी भूल जाती है, गलतियां करती रहती। तो आखिर मैं इसको इसके साथ जोड़ना चाहता था कि अगर हमारा परमात्मा के ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो वो भी हमारे को हेल्प नहीं करेगा आगे बढ़ने के लिए, क्या ये सही है? देखो एक बात होता, तुम्हें हेल्प कौन करेगा? मैं आपको बताऊं कि कोई भी हेल्प करना चाहे, ठीक है, मगर जो आत्मा के अंदर इतने विकर्म है, पाप है,
तो वो आत्मा को हेल्प नहीं मिलेगा। आपको एक एक एग्जांपल दूं, एक ऋषि मुनि थे, उसको ये एक गांव गए तो वहां एक बहुत गरीब आदमी मिला। बिल्कुल। तो उसने सोचा कि ये गरीब है, मैं उसको कुछ दे हेल्प करूं। ठीक है। मगर वो इतना गरीब था मगर स्वमानी था, वो किसी से कुछ लेता नहीं था। राइट। तो ऋषि मुनि बोला कि डायरेक्ट दूंगा कुछ तो लेगा नहीं, ठीक है। इसलिए उसने एक बहुत बड़ा वो तड़बूज जैसा क्या बोलते चिबड़ा क्या बोलते मंगाया। हाँ 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 और उसने थोड़ा सा छेद करके हाँ उसके अंदर थोड़ी सोना मोट डाल दी। ठीक है हाँ? ठीक है। और उसको फिर बोला कि ले तेरे बच्चों के लिए लेता हूँ, तू घर जाके बच्चों को खिलाना। ठीक है। तो उसने वो ले वो गरीब को दिया। हाँ 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 गुरु ने सोचा ये गरीब वो सोना मोहरा डाली अंदर, ठीक है। जब वो निकालेगा तो अंदर सोना मोहरा मिलेगा, हाँ 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 तो उसका मतलब गरीबी दूर हो दूर जाएगी। दूर हो जाएगा। ठीक है। मगर वो तो ऐसा त्यागी तपस्वी था कि रास्ते में जाते जाते कोई दूसरा कोई मिल गया तो दूसरा कोई दे दे, ले भाई तेरे बच्चे बहुत भूखे हैं तू उसको खिला दे, मेरे बच्चे तो ठीक है कोई नहीं। तो उसने दूसरा को दे दिया, तो राइट। उसके भाग्य में नहीं था ना, हाँ उसके भाग्य में नहीं था तो राइट। दूसरे के भाग्य में था। तो ये जो मतलब ये बहुत थियरी, बहुत कर्मों की गुह्य गति का राज बहुत अलग चीज है। जब तक कर्मों की गुह्य गति का राज ना समझ में आए ना, तब सत्कर्म क्या है परम, तुम किसी का भी कल्याण भगवान भी नहीं कर सकते ना। भगवान को तो फाना बहुत बड़ी हस्ती है, मगर देवी देवता भी हेल्प नहीं कर सकते ऐसे लोगों को। कर्म बंधन में आते रहते हैं तुम्हें। इसलिए सोचो कि मैं किसी का कल्याण करना चाहता हूँ मगर उसके भाग्य में नहीं है। तो तुम अगर किसी को जो ऋषि मुनि त्यागी तपस्वी आत्माएं होते थे उसको कोई हेल्प करना चाहे तो उसकी आत्मा में पावर भर देते, उसका पावर दे देते थे, सामने आता था तो थोड़ा पावर देते थे, उसका कल्याण हो कल्याण हो। मगर वो ऋषि मुनि दिए या पावर दिया, आत्मा में पावर दिया, मगर पावर जाकर फिर वो घर में जाकर अपनी इच्छाओं के अंदर वो पावर को वेस्ट कर दिया। तो ऋषि मुनि भी आगे समझते थे कि अब किसी को पावर देना ही इसलिए वेस्ट कर देगा, इसलिए जो इच्छा मात्रम अविद्या हो नष्टो मोह के स्टेज वाला हो, इसलिए कुछ देना है तो भी ऐसे वैसे को मत दिया करो। दान भी अच्छी आत्माओं को दो, पावर भी अच्छी आत्माओं को दो जो थियरी ऑफ कर्म को जानता है। तो अब बाबूजी, इन शॉर्ट ये है कि फर्गीवनेस का पावर बढ़ाने के लिए इंसान क्या करे, माफ करने की शक्ति, फॉरगिवनेस ज्ञानी पुरुष बनना चाहिए। कर्मों के ऊपर हमें विश्वास रखना चाहिए अपने पहले तो कर्मों थियरी पर। ऑफ कर्म पढ़ना चाहिए, ठीक है। कर्म पढ़ेंगे तो मैं बदला नहीं लूंगा ये जीवन में निश्चय होना चाहिए। राइट। कितनी भी परिस्थितियों में मैं किसी से बदला नहीं लूंगा, ठीक चाहे है। मेरे सामने कितनी भी गलत से गलत परिस्थिति आ जाए। राइट। अकल्याण में भी कल्याण समाया हुआ है, ठीक है। कभी टाइमिंग लगता है ये अकल्याण हो गया मगर उसके पीछे भी कल्याणकारी रास्ता होता है। राइट राइट राइट। इसलिए कर्मों की गुह्य गति का राज समझे, परमात्मा को ज्ञान ले और ज्ञान स्वरूप बने और संसार के लिए विश्व कल्याणकारी उसके सोचे, सबके लिए कल्याणकारी भावना रखें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बाकी बदला तो कभी नहीं लेना है, सबको बदल के दिखाना है, खुद बदल जाए, स्व परिवर्तन करें, सामने वाला का बदलने से परिवर्तन हो जाएगा, आत्मा को ज्ञान स्वरूप बनेगा, मन की शांति आएगी। मन की शांति आने से तुम धीरे धीरे ज्ञान की लाइन में चलोगे, कर्मों की गुह्य गति का राज होगा, आत्मा स्वचिंतन की ओर चलेगी, आत्मा के अंदर और भी सारी संसार से प्यार आएगा, आत्मा की ओरिजिनल गुण इमर्ज हो जाएंगे। आत्मा का ओरिजिनल गुण ही है मन की शांति। आत्मा जब पैदा हुई तो शांत स्वरूप थी, आत्मा का जन्म हो, आत्मा का जन्म मनुष्य की नहीं बात कर रहा, राइट। मन ओरिजिनल आत्मा जब बनी तब वो शांत स्वरूप थी। तो आत्मा में ही ओरिजिनल उसका गुण है शांत स्वरूप, फिर दया का सागर, प्यार का सागर, जो परमात्मा के गुण है क्योंकि वो परमात्मा की संतान है। राइट। और दूसरा सबसे बड़ा मैसेज देखता हूँ, देखो हिंदू फिलोसॉफी में कहते हैं वसु व दैव कुटुंबकम, हाँ बिल्कुल। इस सबसे बड़ा मैसेज दे रहा हूँ, हाँ हाँ वसु व दैव कुटुंबकम, वसुंधरा माना सारी धरती, धरती पर रहने वाले जो लोग हैं ये एक सारा परिवार है, सारे सारा संसार का रचियता एक बाप है। सब में आत्मा देखो, सभी मनुष्य में एक आत्मा देखो, जीव में भी आत्मा देखो क्योंकि वो परमात्मा का अंश है, ब्रह्म का अंश है वो आत्मा। तो तुम उसको देखो ना, ये परमात्मा की संतान है, तो तुम किसी को दुख दोगे ही नहीं, माफ कर दोगे। अगर किसी ने बोले ये परमात्मा की संतान है, अगर कोई गलती होगी तो माफ कर दो। और ऐसा देखो ना तुम, क्या हो देखो, ये परमात्मा की रचना है। क्या देखो, परमात्मा की सब कुछ रचना। जो भी दुनिया में है सब कुछ परमात्मा की रचना है। हाँ, तो आत्मस्वरूप में देखो, सबको आत्मस्वरूप में दो देखो, तो तुम्हारे अंदर कोई भी देहभान नहीं आएगा। देहभान नहीं आएगा तो क्रोध गुस्सा नहीं आएगा, और गुस्सा नहीं आएगा तो कोई भी तुम्हारे अंदर बदला लेने की भावना नहीं आएगी। बाबूजी, ऐसा भी कहते हैं कि जो लेना नहीं चाहता
उसे सब देने को तैयार होते हैं। ऐसा है, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए नहीं, उसको सब कुछ मिलता है। बिल्कुल सही। हाँ, और जो मांगने से मिले ना भीख, कहवत है ना। सही बात है। तो जो इच्छा मात्रम अविद्या होता है ना, वो इच्छा मात्रम अविद्या, जिसको कुछ नहीं चाहिए, ये बहुत अनेकों जन्म का उसका प्रारब्ध होता है। कई जन्मों से पुरुषार्थ करता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ऐसा सोच 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 के कई जन्म तक निकाल देता है। चाहे कितनी भी गरीबी हो, मगर उसको कुछ नहीं चाहिए, देने वाला आ जाए तो भी नहीं चाहिए। हाँ, तो फकीरी में भी अमीरी है। क्या है? फकीरी में भी अमीरी है। तो नेपोलियन बोनापार्ट जैसा हो जाएगा ना, उसने क्या दुनिया को मैसेज दिया? हाथ खुला रखवा दिया कि इतना बड़ा सम्राट भी खुले हाथ जा रहा है। तो किसी से इच्छा ना रखो, मांगो नहीं, मांगने से मरना भला। इसलिए आपने एक बार बताया था कि जो लेने की भावना रखता है वो दुनिया में बनता जाता है, और जो देने की भावना रखता है वो दुनिया से, उसकी रिवर्स प्रोसेस चालू हो जाती है, उसकी छूटने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है इस धरती लोक से। देने वाला दाता होता है, जो जिसके अंदर देने की भावना होती है वो दाता बनता है। तो अपने पुराने विकर्म को विनाश करता है देने से, और लेने की भावना अगर रखता है तो विकर्म पाप कर्म से, लेने की भावना रखने वाला पाप कर्म कमाता है तो और फंसता जाता है इसमें। और विकर्म में फंसता जाता है। आत्मा कर्म बंधन में आ जाती है। फिर कर्म बंधन में आने से आत्मा और फिर मर कर दूसरे जन्म, तीसरे जन्म, जन्म मरण के चक्र में आ जाती है। और ऐसी आत्मा एक जन्म, फिर दो जन्म, कई जन्म के अंत में कनिष्ठ हो जाती हैं, तमोप्रधान आत्माएं बन जाती हैं। फिर वो एकदम आसुरी वृत्ति की बन जाती हैं, असुर की कैटेगरी की आ जाती हैं, और महापापी बन जाती हैं। इसलिए ऐसी आत्माओं रखना नहीं चाहिए। बाबू जी, एक और आखिरी क्वेश्चन है कि जो फरिश्ता के बारे में आपने हमेशा बताया है, तो उसका रियलिटी में आपके हिसाब से क्या मतलब होता है? देखो, फरिश्ता शब्द है कुरान का शब्द है, या एंजल जो है वो क्रिश्चियन का, क्रिश्चियन बाइबल का है। राइट। हमें तो हिंदू शास्त्रों के हिसाब से फरिश्ता जो विष्णुपुरी में रहते हैं वो फरिश्ता है, मतलब देवताओं से हाई कैटेगरी। दूसरा देवता तो तीसरे लोक में रहते हैं ना, स्वर्ग लोक में, तीसरे लोक में रहते हैं। रियलिटी में तो आपने उसको परम 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 आत्मा का दर्जा दिया हुआ है ना, जो तो फरिश्ता है। देखो, फरिश्ता माना जिनके परम कारण शरीर होता है। क्या होता है? हाँ, विष्णुपुरी में रहने में परम कारण शरीर होता है, परम आकाश तत्व का बॉडी होती है उसके अंदर, परम आकाश की बॉडी। उसके अंदर परम वायु, परम अग्नि भी नहीं होता, इतनी हाई क्वालिटी आत्मा तो होती है, वो परम कोई पाप परम वाले आत्मा। देवता नहीं है वो मतलब। तो सिंबॉलिक है, वो तो दिखाने के लिए है, वो फरिश्ता दिखाते हैं, वो सिंबॉलिक है। मगर असली फरिश्ता तो मैं विष्णुपुरी में रहने वाले को मानता हूँ, जिनकी बॉडी परम आकाश तत्व की है, उसके अंदर तत्व नहीं होता, परम आकाश होता है, परम वायु भी नहीं होता। मतलब वो देवताओं की ऊपर की स्टेज वाली आत्मा है। देवता तो इसके देखो मैं बताऊं, देवता होते हैं स्वर्ग लोक में, ठीक है देवता मायावी होते हैं, ठीक है। नाच गाना करते रहते हैं, और क्या है। हाँ, इससे चौथे लोक, स्वर्ग लोक से महालोक, जल लोक, तप लोक, इससे ऊपर भी सत्य लोक आता है, फिर ब्रह्मापुरी, फिर विष्णुपुरी आता है। तब वहां फरिश्ता की कैटेगरी हो, परमात्मा है। फरिश्ता माना परमात्मा है, परम 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 आत्मा है। क्योंकि मैं तो सभी को धर्मनाथ जा से परे की शब्द यूज करता हूँ। मेरी एक थियरी, मैं सबको सबके लिए ज्ञान देता हूँ। हम कोई एक थियरी नहीं लेते, हम तो सभी शब्दों को प्रयोग करते हैं। मगर जो कुएं में मेढक है वो एक शब्द पकड़ के बैठ जाएंगे। हाँ, हमें हमेशा कहता हूं कि तुम्हें ज्ञान सागर की मछली बनना है। क्या बनना है? कुएं के मेढक नहीं बनना है। कुएं के मेढक बनोगे तो कभी कुछ प्राप्त नहीं करोगे। ज्ञान सागर की मछली बनो, ज्ञान सागर जितना होना चाहिए ज्ञान, और विशाल बुद्धि होनी चाहिए। जहां भी शब्द अच्छा मिले उसको पकड़ लो, चाहे कोई भी शास्त्र में हो, कहीं भी हो, धरती पर कहीं भी हो, और वसुवधै कुटुम्बकम रखो। क्या सारी वसुंधरा धरती पर जो भी हैं वो सब एक ही संतान है, सबका मालिक एक है। ये तो धर्मनाथ जात तो फिर इन लोगों ने कर दिया। बाबू जी, बहुत बढ़िया। आपके बहुत और भी वीडियोस हैं, मैं जरा सबको बता दूं कि स्पिरिचुअल साइड ऑफ एलियन आपने बहुत ही अच्छा एलियन के बारे में बताया था। उसके बाद परम महाशिव योगा के ऊपर आपका वीडियो है, एस्ट्रल ट्रैवलिंग, हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, इनविजिबल साइंस, सीक्रेट ऑफ कर्मा, सीक्रेट ऑफ योगा, सीक्रेट ऑफ योगी, जो कि आपकी लाइफ के ऊपर इंस्पायर्ड है, और लाइफ आफ्टर डेथ, और उससे भी बढ़िया वीडियो है न्यू वर्ल्ड नॉलेज पार्ट 1 एंड 2, जो कि आपने बहुत अच्छा ये ज्ञान पूरी दुनिया को कल्याण करने के लिए आपने ये दिया है। मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करें, शेयर करें, और हो सके इतना अपने फेसबुक, ट्विटर या यूट्यूब अकाउंट के अंदर आप इसको शेयर करें। बाबूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।